हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए क्लास 10th की हिंदी की वर्कशीट नंबर 57 लेकर आई हूँ। और वर्कशीट की हेडिंग है बच्चों, कन्यादान कविता। ओके, इसकी भी आपकी पुनरावृत्ति चल रही है, यानी कि इसकी रिवीजन चल रही है। तो मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर करवा देती हूँ। पहला क्वेश्चन है, आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसे दिखाई मत देना। आंसर है, लड़की होने पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। माँ ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह लड़की को सचेत करना चाहती थी कि किसी के सामने स्वयं को कमज़ोर मत दिखाना। क्वेश्चन नंबर दो है, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। का पॉइंट है इसका, इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की किस स्थिति की ओर संकेत किया है। उत्तर है, इन पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि किसी का अत्याचार नहीं सहना चाहिए, अर्थात जिस प्रकार आग रोटियां सेकने के लिए है, स्वयं को जलाने के लिए नहीं, उसी प्रकार कर्तव्यों का पालन करना आवश्यक है, परंतु अत्याचार सहना गलत है। खा पॉइंट है इसका, माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा। तो इसका आंसर है, माँ ने बेटी को सचेत करना इसलिए ज़रूरी समझा क्योंकि वह अपनी बेटी को भविष्य में सभी समस्याओं का सामना करने के लिए तैयार कर रही थी, ताकि कोई भी उसकी कमजोरी का फ़ायदा उठाकर अत्याचार ना कर सके। क्वेश्चन नंबर तीन है, आपके विचार में लड़की को दुख बांचना क्यों नहीं आता होगा। उत्तर है, हमारे अनुसार लड़की को दुख बांचना इसलिए नहीं आता होगा क्योंकि उसे अब तक माता पिता ने दुख का आभास नहीं होने दिया, केवल सुख में ही उसका पालन पोषण किया है। प्रश्न नंबर चार है, माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी। उत्तर, माँ ने बेटी को यह सीख दी कि कभी अपनी खूबसूरती पर अहंकार न करे, ना ही वस्त्र व आभूषण के भ्रम में पड़े, अपने कर्तव्यों का पालन करे, परंतु किसी का अत्याचार ना सहे, ना ही स्वयं को किसी के प्रत्यक्ष कमजोर दिखाए। प्रश्न नंबर पाँच है, आपके विचार में कवि इन पंक्तियों के माध्यम से क्या कहना चाहता है, स्पष्ट कीजिए। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तर्कों और कुछ लक्ष्यबद्ध पंक्तियों की। आंसर है, हमारे विचार से कवि इन पंक्तियों के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि बालिका जीवन की सच्चाई तथा सांस्कृतिक दुख से अनजान है, उसका जीवन माता पिता के प्रेम तथा पनाहों में गुजरा है, इसलिए वह सभी सांसारिक समस्याओं से अवगत नहीं है। गतिविधि, आज के समय में उम्र के अतिरिक्त लड़की को कब विवाह योग्य माना जाना चाहिए। कल्पना कीजिए, बड़ों से चर्चा कीजिए और लिखिए। आंसर है, आज के समय में उम्र के अतिरिक्त लड़की को अपनी शिक्षा पूरी करके तथा आत्मनिर्भर बनने के पश्चात ही विवाह करना चाहिए। ये थे आपकी वर्कशीट के क्वेश्चन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।